श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका बधाई करता हूं कि आपने मुझे खेल विषय पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, कोई खेल आज हम नहीं खेल रहे हैं, खेल ले पूर्व जमाने से ही, भगवान कृष्ण ने भी खेल खेला था। अपने गेंद को यमुना में उछाल करके वो कालिया नाग को नाथने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। भगवान राम ने भी खेल खेला था, 14 वर्षों तक वनवास का, रावण और राक्षसों के नाश का, और ये राक्षस मुक्त समाज बनाने का उन्होंने खेल खेला था। आज भी खेल हो रहे हैं, और मैं तो सभापति महोदय मैं बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि आपने खेलो इंडिया कर करके देश में खेल का एक वातावरण बनाया, खेल में को प्रोत्साहित करने का काम किया। जब हमारे खिलाड़ी जब वे यहां से खेलने के लिए जाते हैं, चयनित होते हैं, तो हमारे खेल मंत्री स्वयं मिलने जाते हैं, लौटने के बाद और जाने के पहले प्रधानमंत्री मिलते हैं, खेल के मैदान में जाने के पहले वहां दूरभाष पर भी उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और आज मैं कहूं कि खेल का एक बजट भी जिस तरीका से बढ़ाया गया है, हमें लगता है कि खिलाड़ियों के लिए उत्साहित करना और खेल को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं, गोल्ड मेडलों का ताता लगा हुआ है। हम अगर आंकड़ा इसको अगर देखते हैं, चाहे वह ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसमें अब आज का अगर गोल्ड मेडल का अगर हम आंकड़ा लेते हैं और पहले का, 14 के पहले का, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। और आज मैं यह कह सकता हूं सभापति महोदया कि आज जिस तरीका से खेल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, हमें आने वाले दिनों में चाहे किसी भी खेल में भारत का खिलाड़ी जाएगा तो वह निश्चित रूप से गोल्ड मेडल हासिल करेगा, और अपना सम्मान ही नहीं, अपने राज्य का ही सम्मान नहीं, देश का सम्मान बढ़ाने में वह कामयाब होगा। मैं आज के अवसर पर यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। सभापति महोदय, खेल मानव जीवन को भी जीवंत बनाता है। हम यह खेल सिर्फ एक नौजवान और युवा को लिए नहीं है, खेल बच्चों में भी है, युवाओं में भी है, जवानों के लिए भी है, वृद्धजनों के लिए भी है, महिला बहनों के लिए भी है, और दिव्यांगजनों का भी खेल है। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी चाहे इंडिया स्तर पर हो, चाहे इंडिया के बाहर जाकर के हो, वह गोल्ड मेडल लेकर के आज देश का सम्मान बढ़ाने का काम आज हमारे खिलाड़ी भाई और करें। मैं यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरीका से खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, हमें गांव के गली गलियारे तक के खिलाड़ियों को वहां से चिन्हित कर करके नीचे से लाने का जो काम कर रहे हैं, हमें उसमें और आगे कामयाब होंगे। मैं दो तीन बातें मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि सरकार भी खेल खेलती है, पहले की भी सरकार खेल खेलती थी, वह सरकार खेल घोटाले की करती थी, चाहे जितने घोटाले हो, घोटाले दर घोटाले होते रहे, और आज की भी सरकार खेल खेल रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं का, विकास का, महिलाओं के कल्याण का, किसानों के कल्याण का, वृद्धजनों के कल्याण का, और देश के उत्थान और विकास का आज यह खेल, आज की भी सरकार मिशन मोड में खेलने का काम कर रही है। आज भी खेल चल रहा है, और खेल आज भी चल रहा है, भारत जोड़ो का नाटक का भी खेल चल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के समस्याओं के मिशन पर खेल खेल रहे हैं। देश की समस्याओं का निदान कैसे होगा, देश विकास कैसे होगा, देश विकास के रास्ते पर कैसे आगे जाएगा, यह खेल हमारे देश के प्रधानमंत्री और खेल आज हमारे खेल मंत्री आज खेल रहे हैं, यह खेल ही है। मैंने कहा कि जीवन भी खेल है, और जीवन में हमें सफलता से खेलने की आवश्यकता है, और जिस तरीका से हम आज यह सरकार खेल रही है, यह देश के 130 करोड़ों के जीवन के सफलता के लिए, इस देश के उत्थान और विकास के लिए, जिस तरीका से हम कहानियां दर कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि देशवासियों को गर्व इस पर है, और हम इसके लिए गर्व करते हैं, और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करते हैं। देश के खेल मंत्री को मैं बधाई कर रहा हूं कि देश के खेल मंत्री भी लगातार खिलाड़ियों के लिए वह लगातार प्रयास करें। मैं दो तीन बातें सिर्फ मैं सभापति महोदय में क्षेत्र के लिए और के लिए मैं कहूंगा। एक तो नीचे तक भी पहले जैसे विद्यालयों में
चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो उच्च विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, खेल का एक बड़ा वातावरण होता था, खेल का मैदान होता था, खेल की एक पीरियड होती थी हम लोगों के जमाने में भी, लेकिन आज हमें लगता है कि वह थोड़ा सा खत्म होते जा रहा है। मैं पता ना राज्य के विषय खेल राज्य का विषय आ जाता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि एक आप यहां से भी एक दिशा निर्देश राज्यों को भी दे कि इसको इस विषय को थोड़ा सा और जीवंत करे और वहां से खिलाड़ी को चयनित कर करके और जिला और राज्य स्तर पर चयनित हो। हमें लगता है कि खेल को और इससे ज्यादा महत्व मिलेगा और इससे और लाभ इसका मिलेगा। मैं पंचायत स्तर पर भी हर पंचायत के लिए भी यहां से कोई गाइडलाइन माननीय मंत्री जी अगर दर्ज करें कि देश के सारे पंचायतों में खेल का अलग अलग जो पुराने खेल खत्म होते जा रहे हैं, जैसे गुल्ली डंडा का खेल पहले चलता था, कुश्ती के अलावा कबड्डी चीका का खेल चलता था हाथ को ताकत अजमाने के लिए और वह एक वातावरण बनता था। इस खेल को भी आज अगर जीवंत, चूंकि यह सरकार तो हर चीज को जीवंत कर रही है, पुराने को नया जीवन देने का काम कर रही है और उस जीवंतता के साथ यह भारत दुनिया में जो जिस तरीका से परचम लहरा रहा है और उसी का आज दिन है परचम लहराने का कि G20 के अध्यक्षता का भी खेल खेलने का भारत को मौका मिला है। मैं इसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं, मैं खेल मंत्री को भी हृदय से बधाई धन्यवाद करते हुए और आग्रह जो मैंने किया है उसको आप स्वीकार करेंगे यह आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल खालिक जी।